पटौदी खानदान से ताल्लुकात रखने वाली बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सैफ अली खान की फिल्म बंटी और बबली 2 सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज हो गई है। रिलीज के साथ ही फिल्म पर्दे पर धमाल मचा रही है, जिसमें उनके साथ रानी मुखर्जी, सिद्धांत चतुर्वेदी और शर्वरी वाघ स्क्रीन शेयर करेंगे। बीते दिनों उनकी टीम फिल्म के प्रमोशन के लिए अलग अलग रियलिटी शो में जा रही थी। इसी बीच सैफ और उनकी टीम ने अलग अलग शो में कई किस्से शेयर किए, लेकिन रानी के साथ चैट के दौरान सैफ ने उनकी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हैरान होने वाली बात क्या है, तो बता दें कि सैफ के साथ असल जिंदगी में बंटी बबली जैसा एक स्कैम हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल NN Bollywood को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दरअसल सैफ एक प्रॉपर्टी डीलर के हाथों ठगे गए थे, जिसने उन्हें करोड़ों का चूना लगा दिया था। एक्टर सैफ अली खान ने इस पर बात करते हुए बताया कि कुछ साल पहले वो किसी प्रॉपर्टी डीलर के जरिए संपत्ति का लेन देन कर रहे थे, जिस दौरान उनसे धोखाधड़ी हुई। सैफ ने बताया उनसे कहा गया कि उन्हें 3 साल में वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन अब कई साल बीत जाने के बावजूद उन्हें वो प्रॉपर्टी नहीं मिली। वो बताते हैं, मैंने उस समय तक जो कुछ भी कमाया था उसका लगभग 70% खो दिया। वो हाल ही में संपत्ति का कब्जा पाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन तभी लॉकडाउन लग गया और उन्हें ये प्रॉपर्टी अभी तक नहीं मिली। जिस पर रानी उनसे पूछती है कि क्या ये वह घर है जिसमें वे रह रहे हैं। इस पर सैफ कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो ऑफिस की जगह है। सैफ का ये किस्सा सुनने के बाद लोग इसे उनकी फिल्म बंटी और बबली 2 से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि सैफ के साथ बंटी बबली वाला स्कैम हुआ। बता दें कि सैफ और रानी की हालिया फिल्म बंटी और बबली 2 धोखाधड़ी पर आधारित है, जिसमें एक नहीं बल्कि दो दो बंटी और बबली नजर आ रहे हैं, जहां सैफ और रानी के साथ सिद्धांत चतुर्वेदी और शर्वरी वाघ भी लीड रोल में हैं। बता दें कि सैफ और रानी की जोड़ी पूरे 12 सालों बाद स्क्रीन पर साथ दिखने वाली है। ऐसे में फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब फिल्म की रिलीज के साथ खत्म हो गया है। गौरतलब है कि एक्टर की फिल्म बंटी और बबली 2 2005 में आई बंटी और बबली की सीक्वल है। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म फैंस को किस कदर पसंद आती है, क्या फिल्म के सभी किरदार दर्शकों की उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।